नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि मेरे स्पेशली वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि जो नल जल योजना का पानी मिलता है, कहीं पर अलग अलग समस्याएं थे। वो सारे समस्याएं जो है कमेंट में लिखकर जो है मुझसे पूछ रहे थे कि इसकी शिकायत कैसे करें। जैसे कि उनका समस्या यह था कि कहीं पर पानी लीकेज है, तो कहीं पर टंकी गंदा है, तो कहीं पर जो है पानी गंदा आ रहा है, तो कहीं पर जो है जल जमा हो रहा है। तो इन सब कारणों के लिए जो है हम शिकायत किसे करें और इसका समाधान जो है हमें तुरंत चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे घर हैं जहां पर नल जल का कनेक्शन भी नहीं पहुंचा है। तो ये सब कारण लेकर जो है हमें समस्या जो लोगों का था वो कमेंट कर रहे थे कि इसका ऑनलाइन शिकायत कैसे करें सर, इसका जो है समस्या का समाधान हमें कैसे मिलेगा। तो स्पेशली जो है उन्हीं लोगों के लिए जो है वीडियो मैं बना रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नल जल योजना के किन्हों कारण से जो है आपको परेशानी हो रहा है। चाहे आपको पाइप फट गया है, चाहे आपका जो है नल का कनेक्शन नहीं मिला है, चाहे टंकी गंदा हुआ है, चाहे गंदा पानी आ रहा है, जो भी कारण है, जो भी आपका समस्या है, उसके लिए ऑनलाइन आप करके जो है तुरंत 24 घंटे के अंदर में समस्या ले सकते हैं। ये सारे प्रोसेस हम आपको बताएंगे कि कैसे वो करना है, बिल्कुल जेन्युइन तरीका से। ये मत आप सोचिए कि ऐसा करेंगे तो नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा होगा, इसके लिए आप चिंता ना करें। देखिए दोस्तों, IPRD यानी कि बिहार सरकार का जो सूचना प्रसारण विभाग होता है, उसके द्वारा जो है ये बताया गया है कि ऑफलाइन आवेदन भी आप करके संपर्क कर सकते हैं या ऑनलाइन करके संपर्क कर सकते हैं। तो स्पेशली हम ऑनलाइन बताएंगे, क्योंकि ऑफलाइन तो बहुत सारे लोग जाकर संपर्क करते ही हैं, लेकिन ऑनलाइन हम बता देंगे तो उनको घर बैठे बैठे जो है डिपार्टमेंट तक उनका समस्या पहुंच जाएगा और उनका समाधान मिल सकेगा। देखिए, वो अपने नजदीकी जो है पंप ऑपरेटर से संपर्क कर सकते हैं अगर ऑफलाइन फॉर्म में जो भी शिकायत है वो शिकायत लेकर, चाहे अपने क्षेत्र के कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता या लोक स्वास्थ्य प्रमंडल से भी जो है वो समस्या को आप रख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हमने तीन व्यक्तियों का नाम बताया, तीन अधिकारियों का नाम बताया, यहाँ पर जाकर अपनी समस्या रख सकते हैं। एक पंप ऑपरेटर हो गया, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता या लोक स्वास्थ्य प्रमंडल से जो है आप जाकर जो है आवेदन दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो लोग यहाँ पर नहीं जा सकते हैं, जिनका जल समस्या जो है वो सोच रहे हैं कि नहीं जो है हमारे पास टाइम है, तो उनके लिए जो है ऑनलाइन की व्यवस्था किया गया है। इसके लिए आप जो है ये जो PHEDCGRC.in पर जो है जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जैसे कि उसे IPRD यानी सूचना प्रसारण विभाग में बताया गया था कि आपको PHED यानी कि जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है उसके ऑफिशियली वेबसाइट पर आपको जाना होगा। तो PHED bihar.com हम सर्च मारेंगे तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार पर आपको क्लिक करना होगा, क्योंकि आपको कनीय अभियंता चाहे सहायक अभियंता भी आपको आवेदन देना है, तो आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पर ही आपको जाना होगा। तो यहाँ पर जैसे आप ऑनलाइन जाएंगे यहाँ पर, तो नीचे यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर CGRC ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसी पर जो है आप कंप्लेंट करके जो है जो भी आपके जल नल योजना हो, चाहे जो भी पब्लिक जो इंजीनियरिंग वर्क्स होते हैं जो आपके पंचायत लेवल पर है, वो सारे समस्या का समाधान यहीं से आपको मिलने वाला है। सिंपली जो है यहाँ पर रजिस्टर डेट यानी कि जिस दिन आपको कंप्लेंट किया है तो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा, इसको आपको कुछ नहीं करना है। डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मॉडल ऑफ कंप्लेंट, यहाँ पर मोड ऑफ कंप्लेन जो है यहाँ पर आएंगे ऑनलाइन, यानी कि आप ऑनलाइन जो आवेदन दे रहे हैं तो इसका समाधान अवश्य ही होगा, क्योंकि लिपापोती नहीं किया जा सकता है। उसके बाद ब्लॉक का यहाँ पर नाम डालेंगे, उसके बाद पंचायत का नाम डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर विलेज डालेंगे, जो भी आपका गांव होगा वो आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर अपना फोन नंबर डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पर कंप्लेन कैटेगरी डाल देंगे कि आपका हैंडपंप ट्यूबवेल रिलेटेड है, यानी कि जो आपका ट्यूबवेल जो आपके गांव में गलाया गया है उससे हैंडपंप, जो जैसे नहीं बहुत सारे कॉल होते हैं जो आप लोग लैंग्वेज में बोलते हैं, तो कॉल रिलेटेड आपका प्रॉब्लम है तो उस पर करेंगे। मिसलेसी पाइप वाटर सप्लाई रिलेटेड, जैसे कि नल जल योजना संबंधित आपका रिलेटेड है तो इस पर करेंगे, या वाटर क्वालिटी रिलेटेड है तो इस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर चार तरह के यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि आपके गाँव में जो है पानी खराब हो गया, दूषित हो गया, तो उससे संबंधित जो है वाटर क्वालिटी रिलेटेड जो है कंप्लेन कर सकते हैं, या हैंडपंप यानी कि जो आपका चंपा कल जो है जो सरकार द्वारा दिया गया था उसमें कोई समस्या है तो उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं, या पाइप वाटर सप्लाई यानी कि नल जल योजना के तहत जो है आपको वाटर सप्लाई मिल रहा है अगर उसमें कोई समस्या है तो उसको जो है आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो ज्यादातर जो है लोग मेरे पास समस्या लेकर ही आते हैं कि नल जल योजना का जो है कनेक्शन नहीं मिला है, तो ये सब के लिए आपको पाइप वाटर सप्लाई पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर सब कैटेगरी आपको कंप्लेन का सिलेक्ट करना होगा कि जो आप सप्लाई आपका पानी आ रहा है उसमें क्या आपका समस्या है।
जैसे यहाँ पर वाटर इज नॉट कमिंग फॉर स्टैंड पोस्ट या मोटर बंट या वाटर डज नॉट रीच टू वाट टावर, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे इंग्लिश में जो दिया गया है, यानी कि वाटर आपका जो है आप कमिंग नहीं कर रहा है, आपका जो जो आपका नल है वहाँ तक नहीं आ रहा है, या आपका मोटर जो है जल गया है, वह आपका जो है टावर जो है वाटर वहाँ नहीं पहुँच रहा है, यहाँ ऑपरेटर जो है मोटर रन नहीं कर रहा है, यानी कि जो भी यहाँ पर समस्या है ये सारे समस्या ले सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपका मिसलेनियस होगा तो यहाँ पर आप क्लिक करके जो है अपना समस्या भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं कि आपका क्या समस्या है, अगर मान लीजिए सब कैटेगरी में आपका समस्या नहीं आता है तो इस प्रकार से वो क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर अपना समस्या जो है राइट करना होगा, यहाँ पर 500 वर्ड तक जो है आप समस्या लिख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर एड्रेस आपको डाल देना है अपलोड डॉक्यूमेंट के रूप में, मान लीजिए जहाँ पर जल जमा हुआ है, पाइप लीकेज हुआ है, आपका कनेक्शन नहीं है, तो उसके एक फोटो क्लिक करके जो है यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको राइट कर देना है, उसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से निर्निर्मल सेवा पोर्टल जो है, इस पोर्टल पर जो है आप अपना कंप्लेन दर्ज करके जो है नल जल समस्या जो भी नल जल का होगा वो आप समस्या का समाधान आप पा सकते हैं। तो आपको पता चल गए होंगे कि नल जल योजना जो है इसको अगर मान लीजिए इससे कोई समस्या आपका हो रहा है, चाहे आपको कोई सेवाएं इसमें कमी भी हो रही है लेने में, तो आप जो है सेवाओं को गुणवत्ता बनाने के लिए जो है निर्निर्मल सेवा पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन सबमिट कीजिए, जिससे आपका समस्या पूरी तरह से सोल्व हो जाएंगे। मुझे आशा है दोस्तों कि आज का छोटी सी अपडेट आपको पसंद आए होंगे। अगर आज का छोटी सी अपडेट आपको पसंद आता है तो प्लीज आप लाइक कीजिए। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर बटन है सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिव करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।